आमतौर पर ठंडा रहने वाला मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में चल रहा है। यहाँ सुरक्षा बलों की 55 टुकड़ियां तैनात हैं। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। आपको बता दें, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। सुरक्षा बल की टुकड़ियां तैनात होने के बाद भी इसमें हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार दोपहर को दंगियाइयों ने राजधानी इम्फाल में एक कार फूंक दी। अब तक 9000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। सैकड़ों लोग सेना के कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आलम यह है कि हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने दंगियाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। ये सारा बवाल 3 मई को उस समय शुरू हुआ था जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इसी रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच झड़प हो गई, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गई। ये रैली मैतेई समुदाय की ओर से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाली गई थी।